और ब्रेक के बाद हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जाना मलिक से। जाना मलिक को कौन नहीं जानता जनाब, बेहतरीन किस्म की अदाकारा, और अब इन्होंने एक और बेहतरीन किस्म का काम कर दिया। अब देखिए आज का दिन वैसे भी बड़ा ना अच्छा, सिर्फ अदाकारा, हाँ ना सिर्फ अदाकारा, ये एक बहुत अच्छी इनके पास किताबों की कलेक्शन है, बहुत अच्छी आर्किटेक्ट हैं, घरों घर डिजाइन करती हैं, डेकोरेट करती हैं, और अब ये जो इनका नया वेंचर है, ख्वातीन हज़रात, हम तस्वीर आपके सामने शेयर कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि अब ये एक बेकरी का प्रोजेक्ट जो है वो ना सिर्फ ये स्टार्ट कर चुकी है बल्कि इस वक्त हमारे साथ इस हवाले से मौजूद भी। बिल्कुल एग्जैक्टली, और आज क्योंकि ARY की 19वीं सालगिरह है तो जाना के साथ हम ये दो मंजिला नहायत ही शदीद ही कमाली खूबसूरत केक देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जाना, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम जी, गुड मॉर्निंग, हैप्पी बर्थडे टू एवरीवन एट ARY, और ARY के व्यूअर्स को भी मुझ समेत हैप्पी बर्थडे, एंड आई एम जस्ट सो हैप्पी, आई एम सो ग्लैड दैट आई वाज एबल टू मेक दिस। कैसा लगा? चॉकलेट केक है वैसे ही अंदर से, बहुत जबरदस्त, लेकिन दुख भी सदमा भी साथ में लग गया कि हम कराची में बैठे हुए हम ये केक जो है ये खा नहीं पाएंगे। ये बड़ा शाकाहारी किस्म का, बड़ा वेजिटेरियन किस्म का केक लग रहा है। ये असली वेजिटेबल्स हैं या ये आपने इसके ऊपर भी कोई मतलब फनकारी की है? This is all edible. These are fondant decorations. Each and everything is handmade. और मुझे सारा दिन और सारी रात लग गए ये बनाते बनाते। wow. और हर चीज़ जो है वो आप खा सकते हो। And मेरी तरफ से ये था कि this is the ARY का headquarters, ठीक है? wow. और ये वो आ रहे हैं लोग celebrate करने के लिए बर्थडे। और लोग गला घोड़े पे सवार होके आ रहे हैं, देख सकते हैं। I know जाना कि फॉन्डेंट केक जब आप बनाते तो आपके लोगों के अक्सर दो दो दिन भी लग जाते हैं फॉन्डेंट तैयार करने में। थैंक यू सो मच जाना, एक्टिंग कर रही थी मतलब एक्ट्रेसेस के बारे में, और लोग तो ये लगता ना कि भाई ये तो किचन वाला कोई काम ही नहीं करते होंगे, इनको क्या पता खाना कैसे बनता है या कुछ भी चीज़ कैसे बनती है। इतनी बेहतरीन एक्टर होते हुए आपने बेकिंग का काम शुरू किया, और बेकिंग का काम भी जब शुरू किया तो कोई कमाल ही काम किया, आई कैसे यहाँ पे आप? वो एक्चुअली मेरे लिए क्या था कि कुकिंग इज़ लाइक थेरेपी फॉर मी ना, कोई टेंशन हो या कोई ओवर स्ट्रेस्ड या बहुत ज़्यादा थकावट हो तो कुकिंग करके मुझे बड़ा अच्छा लगता था, सुकून सा मिलता था। सो ऐसा सोचा कि वाई नॉट इसके लिए थोड़ा सा और अपने आप को एजुकेट किया जाए और देखा जाए कि शायद मेरे पास ये भी टैलेंट हो, एंड आई जस्ट वॉन्ट एक्सप्लोर माई सेल्फ, आई वॉन्ट एक्सप्लोर द वर्ल्ड। कितने मज़े मज़े के नए नए लोगों से मेरी मुलाकात हुई, मैंने स्काफा से डिप्लोमा लिया प्रोफेशनल पेटिसरी का, मतलब ये वो एवी नहीं मैं कर रही, मैं प्रॉपरली मैंने पहले उसकी एजुकेशन ली और उसको फॉलो अप किया, और आई एम हैविंग सो मच फन। एंड एक्टिंग की जहाँ तक बात है तो मदिया, आई वॉज लाइक मैं 2.5 साल की थी जब पहला फोटोशूट हुआ था मेरा, सो एक्टिंग इज़ नॉट वर्क फॉर मी, एक्टिंग इज़ लाइफ, मतलब आम जिंदगी जो किसी इंसान की होगी वो मेरे लिए एक्टिंग है। सो अभी मैं थोड़े से ना हॉलीडे कर रही हूँ, ब्रेक कर रही हूँ, बट ऑब्वियसली एक्टिंग इज लाइफ, सो दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी देयर। हम तवक्को कर सकते हैं कि आप जैसी मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट जो हैं, अगर वो कोई भी काम करेंगी तो वो पूरी डेडिकेशन से करेंगी। थोड़ा सा अपने इस बेकिंग स्किल्स के बारे में बताइएगा, और आज का ज़रा एक केक थोड़ा मज़ीद एक्सप्लेन कीजिएगा। मुझे जो समझ में आया आपकी बात से, आपने कहा ये सब्जियाँ नहीं हैं, ये जाली सब्जियाँ हैं। ये हाँ एडिबल खा सकते हैं, वो जब केक पे देखते हैं मीठी सब्जी, शुक्र है फूड अथॉरिटी वालों को अभी तक पता नहीं चला। अच्छा, सो ऑल ऑफ दिस इज बोली वो जो डेथ बाय चॉकलेट केक होता है, जो बहुत ज्यादा चॉकलेट जिसको खा के अंदर डेथ हो जाती है, केक के अंदर भी चॉकलेट है। यस हाँ ना, ये वो है, एंड ये वाला जो केक है दिस इज चॉकोलेशियस, दिस इज माय ओन इन्वेंशन। ये बच्चों को स्पेशली बहुत पसंद है बिकॉज इट्स अ वेरी नाइस मिक्सचर ऑफ चॉकलेट एंड वनीला, एंड द इंग्रेडिएंट्स आई यूज आर 100% नेचुरल एंड दे कम फ्रॉम रेप्यूटेबल सोर्सेज। मैं इस चीज़ का बहुत ख्याल रखती हूँ और मेरी बहुत कोशिश है कि कुछ डिफरेंट हो जाए, कुछ चेंज आ जाए बेकिंग की दुनिया में भी, सब लोग कुछ डिफरेंट करना शुरू कर दें, बोर नहीं हो गए सब लोग वो बेकरी से केक लेके उसके ऊपर दो मोमबत्तियां लगा के कहेंगे हम बस हैप्पी बर्थडे हो गया। अच्छा, मतलब कुछ नया हो तो मजा आता है। लाहौर वालों से कुछ डिफरेंट एक्सपेक्ट कर रही हैं तो हो सकता है हम कल को निहारी केक देखें। इट इज नॉट, नहीं लाहौर में निहारी, नहीं लाहौर में निहारी, बॉर्न एंड रेज इन लाहौर मैं कह सकती हूँ ये बात, बिल्कुल लाहौरियों पे इल्ज़ाम है सरासर। अच्छा मुझे जाना ये बताएगा, क्योंकि मैं आपसे अक्सर स्टोरीज फॉलो करती हूँ, आप इतने कमाल शानदार केक बना रही होती है कि देख के रोना आ जाता है इंसान को। कोई आपको ऑर्डर आने शुरू हुए हैं, लोगों ने आपको ऑर्डर देना शुरू किया, ये बनाती है लोगों के लिए आप केक?
मैं करती हूँ लेकिन मैं ज़्यादा ले नहीं सकती ऑर्डर्स बिकॉज आई एम जस्ट डूइंग इट खुद से एंड मुझे वो खपत भी है थोड़ी सी ओसीडी का भी प्रॉब्लम है कि हर चीज़ मैंने खुद करनी है हाइजीन का ख्याल रखना है एवरीथिंग नीड्स टू बी प्रॉपर सो वो सारा कुछ फॉलो करते हुए ना मुझे वो होता है कि हेल्पर भी अगर कोई हो तो शायद वो फॉलो ना करें गाइडलाइंस सो मैं इतना ज़्यादा नहीं कर सकती बट आई डू टेक ऑर्डर्स लेकिन जो मतलब पसंद के लोग हो कोई आइडिया पसंद आ जाए जान पहचान वाले लोग हो हाँ नहीं मोस्टली फैंस हैं बहुत स्वीट हैं वो कॉल करते हैं मेरी बेटी और एक तो थी वो इस्लामाबाद से उन्होंने कॉल किया था उन्होंने कहा मैं बेटी की बर्थडे आगे कर देती हूँ आप किसी तरीके से इस्लामाबाद भेज दे केक मैंने इतनी कोशिश की बट मौसम ऐसा है वेदर ऐसा है गर्मी इतनी है कि वो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर द केक टू ट्रैवल टू इस्लामाबाद एंड शी वॉज रेडी कि मैं बेटी की बर्थडे आगे कर देती हूँ सो मुझे बहुत मोहब्बत मिली है स्पेशली वो लोग जो मेरे फैंस हैं जो मुझे पसंद करते हैं उनकी तरफ से बहुत मोहब्बत मिली है और इंशाल्लाह जब विंटर का थोड़ा सा होता है ना मौसम अच्छा ठंडा ठंडा होता है तो मैं आपके पास आ सकती हूँ अपने केक्स लेके वरना कोई बात नहीं मैं आ जाऊँगी लाहौर मसला ही कोई नहीं है हम आ जाएंगे प्रॉमिस बस करें केक बनाने प्लीज अच्छा जाना ये बताइएगा कि ये anything that you say. जो केक आप बनाती हैं इसमें इतनी मेहनत होती है कोई भी आर्टिस्ट जब केक बनाता है तो वो उसमें बड़ी आपको बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है बड़ी मेहनत करनी पड़ती है क्या गुजरती है कि जब आपकी मेहनत पे 3 मिनट में छुरियां जल जाती हैं और वो हड़प कर लिया जाता है आधे घंटे के अंदर अंदर आई नो लेकिन फिर आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है जब आपको एक मैसेज आता है या वीडियोस आती है पिक्चर्स आती है जब सब लोग कह रहे होते हैं कि बहुत मज़े का था और बहुत अच्छा था और सबसे ज़्यादा जो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह का कि मुझे सुनने को मिला है कमेंट वो ये है कि ख़त्म हो गया क्योंकि यूजुअली केक्स जो है वो रह जाते हैं बच जाते हैं फ्रिज में ना कहीं पड़े रह जाते हैं किसी कोने में सो शुक्र है अल्लाह का कि मुझे हमेशा यही सुनने को मिला है कि सब खत्म हो गया एंड इट वाज अचानक और बहुत मज़े का था और अब ख़त्म हो गया है सो मेरे लिए ना वो बहुत कॉन्फिडेंस की बात है खून ऐसे मेरा बढ़ जाता है एंड देन आई एम लाइक ऑल रेडी एंड गियर्ड अप टू टैकल अनदर एक केक जो आप पूरी जिसकी तैयारी के लिए पूरा एक दिन लग जाता है जब वो केक लोगों को पसंद आता है लोग उसके बारे में अच्छी बात करते हैं तो फिर दिल गार्डन गार्डन तो हो ही जाता है अच्छा मुझे ये बताएं कि क्योंकि फोंडेंट केक जो है ये थोड़ा सा पॉकेट में भारी होता है जाना तो आपके पास थोड़े से अफोर्डेबल केक्स में या इकोनॉमिकल केक्स में आपके पास कुछ आप समझते हैं आपके पास वैरायटी अगर कोई आपसे कहे तो आप उनको बना के दे सकती हैं मेरे पास आई हैव केप्ट माय प्राइसेस रियली रियली रीजनेबल ऑलमोस्ट लाइक जैसे जो होती है प्राइसेस है हम घर पे बनाते हैं वैसे बिकॉज आई एम ट्राइंग कि लोगों को थोड़ा सा ना टेस्ट करके ही थोड़ा सा ये एहसास हो कि जो मास प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट्स हैं चाहे वो डबल रोटी हो या केक हो या बन बिस्किट वगैरह हो उनके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो क्वालिटी के नहीं हैं और कुछ केमिकल्स हैं जिनकी वजह से उसको रेज किया जाता है फ्लावर को और उसमें मक्खन नहीं होता है उसमें सो ऑन एंड सो फॉर्थ इट्स काफ़ी लंबी हो जाएगी बात लेकिन आप जो केमिकल्स की बात करें इनमें डिटर्जेंट शामिल है सॉरी जी जिन केमिकल्स की आप बात कर रही हैं उनमें डिटर्जेंट शामिल है क्योंकि अभी तो खैर बेकरी प्रोडक्ट्स की बात कर रही थी क्योंकि अक्सर जब हम फॉन्डेंट केक खाते हैं तो हमें इसमें टेस्ट आता है डिटर्जेंट का जो कड़वाहट होती है डिटर्जेंट की वो फील होती है क्योंकि उसको फुलाने के लिए और वो ज़्यादा देर चल सके उसमें डिटर्जेंट डालते हैं आपसे बेहतर तो मैं नहीं जानती ये फ्रेश है ये फ्रेश फॉर्म नहीं मैं इसकी बात अरे हम आपकी केक की नहीं नहीं जाना हम टॉफी नहीं नहीं हम आपके केक की बिल्कुल बात नहीं कर रहे हम यूजुअली आम तौर पे जो लोग फॉन्डेंट केक बनाते हैं हम उसकी बात कर रहे थे कि लोग उसको कैसे बेचते हैं अच्छा ये मुझे बताएं आगे कोई बेक शॉप बनाने का अपना कोई प्रॉपर रेस्टोरेंट या डिजर्ट शॉप आपका बनाने का कोई प्लान है आई डोंट नो अभी मुझे कुछ नहीं पता अभी मुझे ये पता है कि मैं ये सीख रही हूँ और ये कर रही हूँ तो आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ फन और एक बात ये कि मेरी कोशिश है कि रेट्स रीजनेबल हों मेरे बिल्कुल भी प्राइसी नहीं हों बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है मैं सिर्फ लोगों को ना टेस्ट कराना चाहती हूँ कि जो असल होता है ना असल केक जिसमें मक्खन अंडे चीनी होती जी, है जी, वो ऐसा टेस्ट करता है वो वैसा टेस्ट नहीं करता जैसे आम बेकरीज पर मिल रहा होता है और वो लूट रहे हैं वो लूट बस अच्छा ये मुझे बताएं कि जो वो लोग जो कि डायबिटिक हैं केक को देख के उनको याद ना रखना मेरे ख्याल में उनके साथ जाती है कोई ऐसे आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया अभी तक कि कोई ऐसा शुगर फ्री केक कोई ऐसा डायबिटिक फ्रेंडली केक जैसे कीटो केक्स मार्केट में अवेलेबल है
हाँ जी बिल्कुल डेफिनेटली ग्लूटेन फ्री भी इस्काफा में बहुत अच्छी उन्होंने एजुकेशन हमें दी अबाउट एवरीथिंग सो आई कैन मेक वो पावर बार्स जो होती है जो हम वर्कआउट के बाद पसंद करते हैं प्रोटीन पाउडर के साथ वो सारी रेसिपीज भी और शुगर फ्री रेसिपीज भी कीटो फ्रेंडली रेसिपीज भी सब उन्होंने सिखाया तरीके सिखाए कैसे करना है और मुख्तलिफ जो स्वीटनर्स होते हैं उनका क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पर जाता है तो उनका टेस्ट चेंज हो जाता है हाई टेम्परेचर पर सो बिस्किट्स के लिए डिफरेंट है केक्स के लिए डिफरेंट है तो उस हिसाब से इट्स वेरी गुड अगर एजुकेशन ले के कोई इस फील्ड में आए तो आपको जल्दी अच्छा, समझ में जाना आपने इतना कमाल केक तैयार किया है एआरवाई की 19वीं सालगिरह पर एक नहायत ही दुखी दिल के साथ मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ हम तो यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं आप वहाँ लाहौर में बैठी हैं जो इतना ज़बरदस्त आलीशान दो मंजिला केक आपने बनाया है जब ये कटेगा तो कौन खाएगा हम तो यहाँ पर हैं पर कैमरे के पीछे आपके लोग हैं ना वो खाएंगे हम जबरदस्त ठीक है सबको बुलाए और अभी मैं कहता हूं केक अभी काटें आप मैं डिमांड करता हूं कि आप अभी एक केक काटें क्योंकि हम तो यहां केक काट चुके हैं अब वहां आप केक काटें अच्छा ठीक है ओके कोशिश करते हैं भाई आई एम काइंड ऑफ वायर्ड बट जस्ट वन सेकेंड अच्छा चलिए अब ये केक आपके सामने अब से कुछ देर में खवातीन हज़रात कटने वाला है और ये देखें खवातीन हज़रात इस वक्त जाना मलिक ए आर वाई की सालगिरह का केक काट रही हैं लाहौर में हैप्पी बर्थडे किया है बट खाबू को तो वैसे होता चल रहा है मेरे फिर मैं आपको बता दूं आज से मेरी डाइटिंग करनी थी लेकिन वो खुशी के मौके पर तो केक मिस नहीं मैं कर सकती ना थैंक यू सो मच जाना कि आपने इतना जबरदस्त हमारे लिए केक बनाया